नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों की तारीखों का को लेकर कोई स्पष्ट संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में ईवीएम को लेकर बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है। इधर राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे। इसमें बीजेपी और राजद ने साफ साफ संकेत दिए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, और अगर ऐसे में कोई उम्मीदवार राजनीतिक दल के नाम या फिर दल के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि आदर्श आचार संहिता जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला अधिकारी द्वारा संबंधित जिला में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावी होगी, जो चुनाव समाप्त होने तक सभी जिलों में लागू रहेगी। इस दौरान आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार को कोई ऐसा कार्य नहीं करना होगा जिससे कि धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। इसके साथ ही कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। आयोग ने साफ साफ कहा है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के कारण किसी पार्टी के नाम और उसके झंडे का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। अब जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में सीधे तौर पर हिस्सा लेने से साफ तौर पर मना कर दिया है, ऐसे में बीजेपी और राजद के लिए यह एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी और राजद बिहार पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रही थी। ऐसे में बीजेपी ने साफ साफ कहा था कि जिला परिषद के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा था कि अगर जिला परिषद में हमारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे तो पार्टी इसके लिए चुनाव प्रचार भी करेगी। इधर राजद ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी की पकड़ पंचायत स्तर के चुनाव में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मुखिया हमारे समर्थन में है। ऐसे में राजद के लिए भी यह एक बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजद ने भी साफ साफ कहा था कि हम पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। अब जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, इसके बाद से राजद और बीजेपी के लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी और राजद अब अपने समर्थित उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार किस तरह से करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा उठापटक देखने को मिला है। आपको बता दें कि 59 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। आपको बता दें कि जिन पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है वे अधिकारी 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित थे या फिर दागे पदाधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया गया है। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी तेज हो गई है। बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिला पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती बिहार पंचायत चुनाव के दौरान की जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव से ठीक पहले कई थानों के प्रभारियों का भी तबादला किया गया है। इसके साथ ही बिहार के सीमावर्ती इलाकों में तैनात थानाध्यक्षों का भी तबादला किया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बिहार सरकार काफी सख्त है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।